मैं जब अपने आम बच्चों में, गली मोहल्लों के बच्चों में जाता हूँ, आप तो खैर कैम्ब्रिज तक चले गए, आप जहीन बच्चे होंगे, तो नईम साहब होता क्या कि अंग्रेज़ी को एक काम के लिए ज़बान समझा जाता है कि कोई मज़मून फेल होने की, और वो बड़ा मशहूर शेर भी है उनका कि कोई ज़बान, कोई जो है मज़मून फेल होने के लिए भी होना चाहिए, तो वो फेल होने के लिए ज़्यादा रखा जाता है, इस पर क्या कहते हैं नजम भाई? थोड़ा सा हम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे चले गए, अगर आज बाकी मसाइल पीछे रह गए, हम बाकी साइडें सारी पीछे रह गई है। सही, मेरे ख्याल में मैडम भी इस बात पर राजी है कि मल्टी लैंग्वेजेस होनी चाहिए। हम बिल्कुल भी उर्दू के अगेंस्ट नहीं है, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैंने उर्दू सीखी है, मैं उर्दू बोलना चाहता हूँ, लेकिन किसी लैंग्वेज को भी इम्पोज नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा नजम भाई ज़रूरत यह है कि क्या 2006 का जो करिकुलम था और जो SNC है, इसमें फ़र्क कितना है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत बहुत बड़ी तब्दीली ले आएगी? कितना फ़र्क है? 5%। 5% जी, ओनली 5%। गारंटी 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 2006 का जो मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ा मशहूर हुआ था, सिलेबस आया था। जी, जी, जी। अच्छा, सिर्फ 5% फर्क जी, है। मैं तब्दीली क्या है इसमें? मैं कह रही 5% में, मैं कह रही मुशर्रफ के दौर का सिलेबस ने लगाया है। मैं आपको बता दूं, ये तो ये मेरे पास बाकायदा एनालिसिस मैंने किया हुआ है। ये ग्रेड 4 का वो है करिकुलम है। अच्छा, मेरे पास दोनों करिकुलम, आपने कहा किताबें, ये कोई इसमें से किताब नहीं, ये सारे करिकुलम है। अच्छा, 2006 का करिकुलम, कल भी मरियम चुख्ताई जो कि अभी नई उसके NCC की वो बनी हुई है, हेड बनी हुई है, वो भी कह रही थी कि हमने 2006 के करिकुलम को अपडेट किया। अल्फाज क्लियरली देखा, और वो अपडेट क्या है मैंने बताया कि एक SLO, एक चैप्टर में 20 SLOs होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के, बच्चा इस काबिल हो जाए, बच्चा इस काबिल हो जाए, उसमें से दो या निकाल दिए या एक डाल दिया। इससे ज्यादा अगर किसी ने साबित किया नहीं, खालिद इधर है, आई एम प्रोफेसर पब्लिशिंग सर, पुरानी चीज को ही बस थोड़ा सा कलर का 95% गारंटी मेरे साथ बैठ जाए जो भी हमने कहा, छोड़ दे तो फिर बहस करनी नहीं चाहिए। बहस की चीज मैं लाना चाह रहा हूँ, दो हजार छह के करिकुलम ने अगर कोई तब्दीली नहीं लाई तो 5% चेंज से कौन सी तब्दीली आ जाएगी? सही, असल क्वेश्चन तो ये है, इतना बड़ा नारा, इतना बड़ा नारा का यकसान हिसाब, 2006 का भी उस वक्त पूरे चारों प्रोविंसेस में था, पब्लिक सेक्टर में था, प्राइवेट में अगर कम था लेकिन पब्लिक में था जी। अब मुझे बताएं, असल चीज नजम भाई इंप्लीमेंटेशन है। अब इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? मैडम ने कहा ना, मुकाबले का इम्तिहान अगर उर्दू में भी हो, अंग्रेजी में भी हो, तो लोगों को आज़ादी होगी जिस जबान में एजुकेट। इसी तरह जब इम्तिहान हो रहा है दसवीं का, उसमें वो लोग एक किताब जो PCTB की किताब है उसको उठा के बच्चे ने सारा याद किया होता है और 1093 नंबर ले लेते हैं, रट्टा लगा के 2006 के करिकुलम को, रट्टा लगा के 2006 की करिकुलम को रट्टा लगा के 1093 नंबर ले लिए, क्या फर्क पड़ा? नो डिफरेंस। ये बहुत बड़ा सवाल किया जाता है कि आपके बच्चे 1093, 94, 92, 90 नंबर ले लेते हैं, लेकिन आप कोई साइंसदान पैदा नहीं कर रहे, आप यहां पर कोई बड़ा ज़हन पैदा नहीं कर रहे। नहीं साहब, बतौर पब्लिशर अब आप इसको कंक्लूड करें। चार पॉइंट्स हैं जी। नंबर वन, करिकुलम और किताब का फर्क लोगों को समझ आना चाहिए। सही, और जो हुकूमत को ज्यादा, मैं हुकूमत का कागज शो कर रहा हूँ, ये है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बहावल नगर, ठीक, ये जाके स्कूल में कह रहा है कि जी PCTB की किताब क्यों नहीं लगाई, उसको ये भी पता नहीं है कि SNC लगाना है। एक तो ये अपने सबसे पहले अपने एजुकेशन ऑफिसर करना क्या है, एग्जैक्टली, नंबर वन। नंबर टू, हमें एज ए पब्लिशर मजबूर ना किया जाए, अगर KP में इंग्लिश में जनरल नॉलेज है तो यहाँ पे भी हमें करने दें, ये नंबर टू। सही, अच्छा, नंबर टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल नॉलेज या जो सब्जेक्ट है उसको, लैंग्वेज को आज़ाद। नंबर थ्री, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं है कि किसी ने करिकुलम की किताब पढ़ा ली, इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो इम्तिहान लिया जाए वो करिकुलम के मुताबिक हो। जिस तरह मैंने और आपने 2-3 दफा इस बात की कि पांचवी में बच्चे को रकबा आना चाहिए, अब रकबे पे सवाल हो, किसी किताब से सवाल ना हो, तब जाके हम ओ लेवल और ए लेवल के बराबर चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अच्छा, चौथी बात, स्कूलों को जो स्कूल फरवरी मार्च में, एकेडमिक ईयर फ्रॉम मार्च टू मार्च होता है,
मार्च में अपना सेशन शुरू कर चुके हैं और वो 2006 का करिकुलम पढ़ा रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया कि 5% फर्क है, जस्ट 5%, 5% फर्क की वजह से उसको कहते हैं तू एसएनसी नहीं पढ़ा रहा, वो तो एसएनसी सबसे अच्छा पढ़ा रहा है। वो 5% जो दरमियान में फर्क है वो हम दे देंगे, वो पढ़ा लेगा, उनको मजबूर ना करो। इस वक्त कोरोना की वजह से आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए हैं और टीचर्स वालदैन के पास पैसे नहीं, उनसे नहीं।